हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो जंगल सफारी करने आए आपा सुबह गए थे हम राइड पे और अब आए हम शूट करने। बाइक देखो वो खड़ी सामने बोरी, तो यहाँ पे शूट करने आए। थोड़ा लोकेशन देख लो कैसी थी भाई, पूरी जंगल वाली लोकेशन है और यहाँ पे हम शूट करने आ रखे हैं। वो खड़ी सामने बाइक, तो चलते एक बारी। ये बता तो तुम्हें क्या क्या, अभी तो काफ़ी शूट कर लिया हमने, 9 बज गए। सुबह के 6 बजे का मैं निकला हुआ हूँ और भाई लुक देखो प्यारी, मज़ा आ जाता देख के। तो बेसिकली काफ़ी टाइम के बाद मैं एक व्लॉग शूट कर रहा हूँ आज, तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों शूट कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे कुछ टाइम पहले रील डाली थी इसकी, मास्टर सिलेंडर कहते हैं इसे, ऑयल मास्टर सिलेंडर जो ब्रैम्बो ब्रेक्स के साथ आता है, तो इसकी आज वीडियो बनाने आए हैं क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे भाई इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है इसका। तो आज तुम्हें वही बताऊँगा मैं कि क्या इंस्टॉलेशन प्रोसेस है इसको, और अपनी बाइक में लुक कुछ ऐसी आ रही है इसकी जैसे काफ़ी, मतलब हैंडल का एरिया काफ़ी सही सा लगता है फिर इसको लगाने के बाद, लोडेड लगती है बाइक और ज़्यादा, और बाइक की कंडीशन कुछ ऐसी है ये देख लो। पर्सनली मैं बताऊंगा बाइक की कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, मतलब इंजन वाइज वगैरह नहीं, इंजन तो बिल्कुल मिंट कंडीशन ही है, टाइम पे सर्विस होती है, बस रैप थोड़ा इसका ख़राब हो रहा है धीरे धीरे क्योंकि 1-1.5 साल से ज़्यादा हो गया है रैप को ये वाले लुक पे। तो अब हम कुछ टाइम बाद, भाई इंस्टाग्राम पे जो लोग फॉलो कर रहे हैं ना वो अपडेटेड रहते हैं कि उन्हें पता है कि अब कुछ टाइम बाद लुक चेंज होने वाला है बिल्कुल। तुम लोग नए हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भाई कर लो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी कर लो भाई, थोड़ा सपोर्ट दिखा दो भाई। सो इस साइड से ओपन करने के लिए कुछ नहीं करना, बस ये एक शुरू है इसे खोलना है और ये पूरा बाहर आ जाएगा, और इस साइड से भी, इस साइड के लिए तुम्हें ये वाला स्क्रू है इसे ओपन करना पड़ेगा तो ये बाहर आ जाएगा। तो एक बार मैं तुम्हें इसे ओपन करके दिखाता हूँ। तो इसे खोलने के लिए 4 mm की ये एलेंकी लगेगी, तो इसको सीधा बस यहाँ से लूज़ करना है और ये खुल जाएगी। ये सारे ये जो एलेंकी बोल्ट से तुम्हारे तुम्हें एसेसरीज़ के साथ ही मिलेंगे इसके साथ, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे तुम्हें एसेसरीज इसके साथ ही मिलेगी। मैं दिखाता हूँ तुम्हें खोल के क्या क्या मिलेगा तुम्हें इसके साथ। तो जैसे ये बाहर आ गया और पाइप भी निकाल देता हूँ, तो इसके साथ तुम्हें ये एक क्लैंप टाइप की मिलेगी और ये एलंकी का बोल्ट मिलेगा और ये पाइप मिलेगा, तो तुम्हें एक्स्ट्रा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके साथ ही आएगी। तो तुम्हें दिखाता हूँ मैं ये कैसे लगेगा। ये बोल्ट तुम्हें अलग से शायद लेना पड़ सकता है क्योंकि ये मैंने भी अलग से लिया है, क्योंकि ये साथ में जो बोल्ट आया था वो काफ़ी छोटा था और काफ़ी मतलब फिट नहीं हो रहा था इसके साथ, तो ये 12 नंबर का बोल्ट है, तो इसको खोलने के लिए बस ट्विस्ट कर दो भाई, और क्या है ये बाहर आ जाएगा, यहाँ से इसे लूज़ कर दो। ये एलंकी का बोल्ट है तुम्हें इसके साथ ही मिलेगा एसेसरीज में, बाकी इसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं करना। ये जो तुम्हारी डिस्क है, डिस्क ब्रेक की जो तुम्हारे 2 स्क्रूज होंगे ना उस उनमें से एक स्क्रू को अनस्क्रू कर देना और उसी में ये अटैच होगा। डिस्कवर में तो ये ऐसे ही लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बाकी मतलब मोस्टली बाइक्स में सेम है, ऐसे ही लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, अलग से कुछ लेने की दिक्कत नहीं है, कहीं मतलब अलग से क्लैंप बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा बस यहाँ पर ये बोल्ट फिक्स करना है तुम्हें कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे टाइट कर दो, बस ये इस तरीके से टाइट हो जाएगा यहाँ पे, और अपने हिसाब से टाइट कर लेना कितना तुम्हें करना है, ताकि हल्का सा शुरू में थोड़ा लूज़ रखना ताकि ये एडजस्ट कर लो तुम इसकी पोजीशन कि किस तरह कैसे रखना है। तो बाकी ये बोर्ड लेना ना एक अलग से और सिंपली ये यहाँ पे फिट हो जाएगा उसके ऊपर ऐसे, और यहाँ से डाल दो
स्पैनर की मदद से इसको कस दो, बस ज़्यादा मत कर देना क्योंकि ये प्लास्टिक मटेरियल है और ये टूट सकता है अगर तुमने ज़्यादा प्रेशर से टाइट कर दिया तो। बाकी पाइप का हमने कुछ ऐसा करा है कि ताकि थोड़ा रियलिस्टिक लगे, तो पाइप इसलिए हमने यहाँ पे सेटअप करा है, इसका जो स्क्रू है इसके ऊपर ऐसी चढ़ा दो पाइप, जिससे थोड़ा मतलब ऐसा लगे कि पाइप कनेक्टेड है कहीं पे ब्रेक के थ्रू, तो थोड़ा बस उस वजह से। बाकी इसका पर्पस ऐसा कुछ नहीं है कि ये ऑयल मेन इसी सिलेंडर से जा रहा है डिस्क में, बस ये लुक वाइज लगा रखा है मैंने ताकि लुक थोड़ा बाइक में इनहेंस हो, हैंडल का एरिया काफ़ी सही लगे, इसलिए ये लगवा रखा है। और इस साइड का मैं तुम्हें बताता हूँ, इस साइड से भी बस ये स्क्रू खोलना है और ये बाहर आ जाएगा। इस साइड का मेन है ये बताता हूँ मैं तुम्हें, ये थोड़ा क्योंकि कंफ्यूजिंग हो सकता है कईयों के लिए। इसके लिए तुम्हें ये जो क्लैंप है ना ये अलग से लेनी पड़ेगी, जैसे तुम इस साइड देखोगे इस साइड की ये क्लैंप है जो ये अलग है, ये इसके साथ ही आई थी, कंप्लीट सेट में आती है ये जो क्लैंप है, ये मैंने अलग से ले रखी है। और क्योंकि यहाँ पे देखो कोई सेटअप नहीं है, जैसे यहाँ पे स्क्रू यहाँ लग गया था तो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्क्रू वो वाला सेटिंग है नहीं, तो स्क्रू लगी है जो क्लच है, क्लच के जो स्क्रू है यहाँ पर, तो इस स्क्रू में हमने क्लैंप लगाई है और इसको हल्का सा बेंड किया है यहाँ पे ताकि ये सिलेंडर जो है ऐसे प्लेस हो जाए इस तरफ। और ये क्लैंप देखो, कई लोग पूछते हैं कि भाई क्लैंप कहाँ से मिलेगी, हमें क्लैंप नहीं मिलती, तो ये क्लैंप देखो नॉर्मल किसी भी हार्डवेयर वाली शॉप पर चले जाओ, वहाँ पर आसानी से मिल जाएगी, जो मतलब हार्डवेयर वाली शॉप्स होती है जहाँ पे तुम्हारे कई सारी चीज़ें मिलती है भाई, घर की लाइट्स वगैरह जहाँ पे मिलती है वहाँ पे जाके तुम पता कर सकते हो, हार्डवेयर की जो शॉप होती है वहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। अगर वहाँ भी नहीं मिलती तो तुम जा सकते हो जहाँ पे बाइक स्कूटी इसके हॉर्न मिलते हैं ना, वहाँ पे जा सकते हो, तो उनसे कह सकते हो कि हमें एक क्लैंप चाहिए हॉर्न की, तो वहाँ पे तुम यहाँ पे लगा सकते हो। इसको हल्का सा बस बेंड करना है यहाँ के, इतना अपने हिसाब से कर लेना जितना तुम्हें चाहिए। बाकी जो मैंने ये दूसरी सिलेंडर लिया था इसके लिए मैंने एसेसरीज की ये सब नहीं ली थी, क्योंकि इस तरफ इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्लैंप का ये वाली, बल्कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसके मुकाबले। बट अब इसके लिए इस साइड कुछ है नहीं सेटअप, तो ऐसा ही करना पड़ता है। इसके लिए भी कुछ नहीं करना, बस ये वाला स्क्रू खोल के क्लैंप तुम्हें डालनी है अंदर और इसको हल्का सा बेंड करना है ऐसे ही, ये शेप देनी है और बस यहाँ पर ये स्क्रू ले लेना अलग से और यहाँ पर इसे फिट कर लेना और टाइट कर देना, बस ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। अपने हिसाब से तुम एडजस्ट कर सकते हो इतना करना है या फिर इतना करना है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जैसी सेटअप करना है। और इस साइड से पाइप का कुछ ऐसा सेटअप कर रखा है, पाइप जो ये मिरर के होल्स होते हैं इनमें ऐसे फिट कर दो ऐसे नॉर्मल, ताकि थोड़ी वैसी लुक है, मतलब पाइप ऐसे इधर उधर ना जाता रहे तो थोड़ा कंप्लीट लुक आती है इससे। मिरर के होल में डाल दो ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि क्लच बजा रहा ऑयल सारा, भाई क्लच हो रहा स्मूथ। बस ये ऐसी देखो लुक के लिए है सारी चीज़ें, लुक तुम्हारी बाइक का काफ़ी अच्छा इनहेंस हो जाएगा। और काफ़ी लोग लुक के लिए ही कराते हैं, मेन सिलेंडर को कोई नहीं छिड़वाता क्योंकि इसका पूरा कंप्लीट सेट ही लेना पड़ता है अगर तुम्हें पूरा कंप्लीट कराना है। इसके साथ क्लच भी आता है, मतलब इस साइड का क्लच आता है, ब्रेक लीवर आता है, कंप्लीट आता है वो पूरा सेटअप, ऐसे तुम ऐसे सेटअप नहीं कर सकते उसको। बट ये लुक के लिए काफ़ी सही रखता है कि काफ़ी लोग सारे लुक के लिए लगाते हैं, तो इसमें भी लुक के लिए ही है। और ऑयल डालने के लिए वही है, ये जो दो नट है ये तुम्हें खोलने हैं, ये जो दो नट है ये खोलने हैं, ये कैप बाहर आ जाएगी, ऑयल फिल कर देना है। ऑयल फिल नहीं करना तो कुछ और फिल कर देना, मतलब वो नहीं, मतलब बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये लुक के लिए है और काफ़ी सिंपल है, कोई भी लगा लेगा इसे, तुम घर पर ही लगा सकते हो, बस तुम्हारे पास टूल्स होने चाहिए सारे, ये मैंने खुद ही लगाया है, ऐसी कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लगने के बाद कुछ इस तरह की से लुक आएगी इसकी, कुछ इस तरीके से आएगी इस साइड से, अगर पूरा कंप्लीट पीछे से मैं दिखाऊं तो इस साइड इस तरीके की लुक आएगी। काफ़ी मतलब ये एरिया काफ़ी भरा भरा सा लगता है और दिक्कत की वाली मतलब बात नहीं होती कोई, काफ़ी सही लगता है, मतलब चलाने में भी अच्छा लगता तुम्हें। इस वीडियो में इतना ही था, देखो ये काफ़ी सिंपल वे में मैंने तुम्हें बता दिया कि डिस्कवर में कैसे लगेगा, काफ़ी मतलब मोस्टली बाइक्स में सेम ही है, तुम ऐसे ही लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये देख लो अपना हेलमेट एरा, और ये रहे अपने ग्लव्स, थोड़े टाइम पहले लिए मैंने, नॉर्मल है तो कोई वैसे हाई फाई ग्लव्स नहीं है, नॉर्मल है राइडिंग के लिए। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी नई न्यू मॉड्स की मैंने तुम्हें अपडेट दे दी है, उसकी वीडियोज़ आएगी चैनल पर, जो जो चीज़ थोड़ी बहुत चीज़ें मैं इसमें कराऊँगा धीरे धीरे, तो उसके मैं व्लॉग्स बना के डालूँगा ताकि तुम लोग मतलब कनेक्टेड रहो मुझसे और तुम्हें पता लगता रहे कि क्या क्या हो रहा है। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई कर लो, वहाँ पे तो हम तबाही मचा रहे हैं, एक से एक रील आ रही है, वायरल हो रही है, बढ़िया बढ़िया जा रहे हैं, तुम्हारे प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है,
काफ़ी अच्छे अच्छे तुम कमेंट्स भी करते हो, तो अच्छा लगता है यार, मोटिवेटेड लगता है, क्योंकि आज के टाइम पे भाई सबके पास स्पोर्ट्स बाइक है, सुपर बाइक चला रहे बंदे रील में, और हम अपनी डिस्कवर 150 जो हमारा ओल्ड स्कूल प्यार है भाई, मतलब सबसे पहली बाइक है ये मेरी, इससे पहले कोई बाइक नहीं थी, इससे पहले तो स्कूटर चलाते थे तो ये पहली बाइक है मेरी और बढ़िया है, मतलब अभी तो मैं स्टूडेंट एज में हूँ, तो फिर उस हिसाब से काफ़ी सही बाइक है भाई, 150 सीसी की है, पावर की इतनी कमी नहीं है, सिटीज़ में नॉर्मली काफ़ी सही चलती है, और लुक भी इतना अच्छा है, तो पब्लिक रिएक्शन भी अच्छे मिलते हैं। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ या फिर हफ्ते में एक एक वीडियो डालूँ व्लॉग, मतलब व्लॉग टाइप बना के, तो वो भी तुम मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड करते हैं, नेक्स्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, तब तक के लिए बाय।